नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका मित्रों यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, यूपी बोर्ड का एग्जाम अभी होने वाला है 2-3 दिन में, उसका मित्रों प्रावधिक कला का मॉडल पेपर कैसे आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ये मित्रों आप देख पा रहे हैं वार्षिक परीक्षा चित्रकला प्रावधिक चित्रकला का ये मॉडल पेपर है और ये मित्रों आपका पूर्णांक रहेगा 3 घंटे 15 मिनट 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इस टाइप से आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे रहेंगे, तो लगभग कि मित्रों आपका 10-15-20 नंबर का अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। यहाँ पर देखिए ये 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही अब पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अभी हम आपको ये या मॉडल पेपर दिखाने के बाद क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए मित्रों कैसे जैसे सेक्शन बी से किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, जो अब देखिए 12-12 अंक के आपके होंगे, 12-12 अंक के प्रश्न होंगे आपके। यहाँ पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में छापे गए बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी तथा अंग्रेजी में परीक्षा अथवा एग्जामिनेशन शब्द लिखिए। तो मित्रों इन सभी शब्दों पे आपको विधिवत प्रैक्टिस कर लेना है, कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये मित्रों आप देख पा रहे हैं 12-12 अंक के ये सब होते हैं। फिर आप देखिए 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य में एक फूल से माला नहीं बनती, तो ये सब आपको इन सभी पे अभ्यास कर लेना है। आप देख पा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस टाइप के मित्रों आपके क्वेश्चन आएंगे। आप देख पा रहे हैं 16-16 अंक के, और फिर देखिए जो आपके बड़े अंक के रहेंगे वो देखिए 30-30 अंक के होते हैं, राइट। तो ऐसे मित्रों आपका प्रावधिक कला का मॉडल पेपर आपका होने वाला है, कुछ है नहीं, थोड़ी सी यदि आप तैयारी किए रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से हल करके आएंगे, आपको होप नहीं खोना है। पूरा मित्रों गेम 3 घंटे का होता है, 3 घंटे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे 3 घंटे आप आराम से आप बैठकर बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए मित्रों अब क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके पहले मित्रों हमने आपको वीडियो में लगभग कि 50 नंबर तक का क्वेश्चन का अभ्यास करवाया है, आज हम लोग इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को जानेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फटाफट से आपको हम बता दिखा दे रहे हैं, आपका थोड़ा इस पर अभ्यास हो जाएगा, आपको भागना नहीं है, चैनल को आप सब्सक्राइब करना है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। मित्रों आप देख पा रहे हैं ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो कभी चित्रकार भी थे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं चार ऑप्शन है चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल। तो मित्रों कौन थे, यहाँ पे आप बीपी सिंह थे। बीपी सिंह मित्रों क्या थे, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री मतलब थे, जो चित्रकार के नाम से भी जाने जाते, अच्छे खासे चित्रकार भी थे। आगे नेक्स्ट देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है, चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो मित्रों अगर बात करें चित्रकला के बारे में, श्रव्य, दृश्य श्रव्य इनमें से कोई नहीं, तो चित्रकला मित्रों अगर किस श्रेणी में आती है तो दृश्य श्रेणी में आता है। दृश्य चित्रकला मतलब क्या है, चित्रकारियां हैं, हम लोग अपनी नजरों से देखते हैं चित्रकारियों को, तो किसमें श्रेणी में आता है, दृश्य श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आप देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है, अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल। तो बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है, अजंता श्रेणी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत मित्रों, अजंता श्रेणी के अंतर्गत, राइट। आप देख पा रहे हैं ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, 2013 और 20 में पूछा गया है, आगे देखिए 2011 में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, घनत्व, काली घाटी, अंधेरा, इनमें से कोई नहीं, तो घनत्व को दर्शाने के लिए होता है। भाई पूरी तरह भरा रहेगा तभी तो घनत्व को दर्शाएगा। आगे नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है, जल माध्यम, तैल माध्यम, टेम्परा माध्यम, चूर्णी। तो हार्टमैन पेपर का प्रयोग जल माध्यम में होता है, किस माध्यम में, तो जल माध्यम में होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्या कह रहा है, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। तो तैल चित्रण मित्रों किस तेल का प्रयोग होता है, नारियल, सरसों, तारपीन, इनमें से कोई नहीं, तो तैल चित्रण में ज्यादातर तारपीन तेल का प्रयोग किया जाता है। जब कोई तैली चित्रकारिया किया जा रही हो या फिर पेंटिंग किया जा रहा हो, तारपीन का तेल का प्रयोग करते हैं। अभी देखते हैं मित्रों जब दीवार उवाल की पुताई वगैरह होती है तो वहां पर आप देखते हैं मित्रों जो पेंटर होते हैं वो तारपीन तेल का प्रयोग करते हैं, नारियल, सरसों, इन सब का नहीं, तारपीन तेल का,
ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो मित्रों इसमें सबसे अच्छे जो है नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो कौन थे मित्रों? राजा रवि वर्मा थे यूरोपीय चित्रण, जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो छाया और प्रकाश चित्र में मित्रों देखिए क्या, रात और दिन का दर्शाना, चित्र को उभारना, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अजंता के चित्रों का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अजंता के चित्रों का जो प्रकार है भित्ति चित्र है। अगला देखिए, गजगामिनी किसकी कृति है? एम एफ हुसैन की। नेक्स्ट क्या है, आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद।